अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो अब समथिंग 3-4 बज गए, हम लोग रेडी हो गए हैं और बस निकल रहे हैं आज के दिन के लिए। हम थोड़ा लेट निकले, खाना हमने यहाँ होटल पर ही खा लिया था, तो बहुत मज़ा आया हमें, तो खाना भी बहुत बढ़िया था इनका। और बस अब हम निकल रहे हैं, आप भी चलिए अब हमारे साथ। तो ये पहुंच गए हम लोग ग्लोबल विलेज। लास्ट टाइम जब हम लोग 5 साल पहले आए थे तब ग्लोबल विलेज बंद था, उस समय पे बंद रहता है ये, सिर्फ समथिंग नवंबर दिसंबर जैन फेब तक ही खुला होता है, कुछ समथिंग लाइक दैट है। तो बस अभी हम लोग अंदर चलेंगे। बारिश ना आए बस। जो कंट्री है टर्की, उसका सेक्शन है, वहां की चीजें मिलती हैं। तो लेट्स सी हम यहाँ अंदर जाते हैं कि नहीं, वही डिसाइड कर रहे थे। टर्की के खाने में कुछ मजेदार ही नहीं है, तो आगे वाला ट्राई करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अरे मैं बोल रही थी जूस पीते हैं। आगे इनका तो जूस पे भी भरोसा ना आया। ओह गॉड, तो चलो आगे वाली। एक्चुअली यहाँ पर कितनी कंट्रीज होंगी? काफ़ी कंट्रीज, अब मेरे को नहीं पता कितनी कंट्रीज। हर कंट्री का अलग अलग सेक्शन है और वहाँ वो लोग अंदर चीज़ें सेल कर रहे हैं, खाना हो, जैसे पीना हो, कपड़े हो, जैसे स्पेशलिटी कुछ चीज़ें हो। इराक, ईरान, इंडिया भी है और मैं इंडिया पे भी जाऊँगी। तो आप अब पाकिस्तान का काउंटर आया, राइट? पाकिस्तान में जा रहे हैं। दिरहम पर मीटर। कहाँ है आपके? अरफात है वो, अरफात क्लासिक। अरफात क्लासिक, अरफात की अल्फात कह रहे हैं उनकी भी। स्पेलिंग गलत कर दी, स्पेलिंग गलत कर दी आपकी, वैसे स्पेलिंग। यहाँ सब सारे यही हैं पाकिस्तानी सूट्स, पाकिस्तानी सूट्स हैं सारे। और हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मैं कुछ नहीं ले रही हूँ यहाँ से। अरफत यू हैप्पी है? मैं कुछ नहीं ले रही हूँ यहाँ से। ये तो अभी होटल जाके पता चलेगा कितना बिल बिठा है। चलो बाहर हम दूसरी कंट्री में जाते हैं। बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, इनफैक्ट फ्लाइट मिल गया। अच्छा ये कौन सा है? यूएई है। अरफत अभी तो आ गए, यूएई में तो आए हो, कहाँ वापस वही कंट्री में जाना है? फिली की चाय है यहाँ पे, पॉसिबली अगर यहाँ पे फिली का ब्रांड है तो, क्योंकि यूएई का ब्रांड ना फिली। चाय एवरेज, होटल की चाय ज्यादा बेटर। आप उसका होटल खरीद लो इंशाल्लाह। ये लो, ठीक है, नॉट बैड। वही तो एवरेज है, फिली की बहुत अच्छी। ये सारा ना राइड सेक्शन है, सारी राइड्स और वो सब यहाँ है। अभी यहाँ से सीधिया आएगा, सीधिया जाएंगे बिना पासपोर्ट और वीजा के। हमारा इंडिया कहाँ है?
नमाज रूम है शायद, क्या क्योंकि प्रेयर टाइम लिखा है, हो सकता है क्योंकि वहाँ पर भी मैंने काफ़ी नमाज रूम वगैरह देखे हैं। प्रेयर टाइम ग्लोबल विलेज लिखा, यहाँ पूरे खाने के स्टॉल्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज के बहुत अच्छे अच्छे खाने और उनकी जो खुशबू है जो आप यहाँ से पास होते हैं और आती है, मैं आपको बता नहीं सकती। कभी कभी मन करता है खा लो, तो बीच बीच में हम थोड़ा खा भी रहते हैं चूरोज और ये सब की बढ़िया सी खुशबू आ रही थी। Interested in what? Iran. Iran में जा रहे हैं? चलो। अंदर से मोर और लेस सबके सेम ही दिखते हैं सब कंट्रीज के, लेकिन ईरान का बहुत डिफरेंट है। ये देखिए मोज़ेक टाइल्स, नीचे की टाइल्स डिफरेंट है, यहाँ का लुक थोड़ा डिफरेंट है। तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को इनका कल्चर देखने के लिए। इनफैक्ट इनकी जो ऑथेंटिक चीज़ें जैसे शहद और कारपेट्स वो बहुत सारे दिखे, तो बहुत मज़ा आया, एंटरटेनिंग मज़ा आया हम लोगों को घूमने के लिए। कुछ लिया तो नहीं बट अच्छा लगा इनका कल्चर देख के, और थोड़ा सा शो भी था यहाँ एक, तो थोड़ा सा हम वो भी देखने खड़े हो गए। तो चलिए बाहर आ गए और ये देखिए क्या देखा मुझे, ये मेरा इंडिया देख सकते हैं, और बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है इंडिया। अच्छा, हर कंट्री का बाहर से बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट मेरा इंडिया ही लग रहा है। और मैं तो मेरी कंट्री की ही तारीफ करूंगी, मेरा इंडिया सबसे बेस्ट है बाहर से दिखने में क्या लग रहा है। अंदर से मुझे ईरान का बहुत अच्छा लगा था। ये बाहर की साइड पे आप देख सकते हैं, ये चाट मुंबई चाट का है। हाँ, ये सिर्फ मुझे लग रहा है इंडिया के इसमें ही बाहर पे ऐसा चाट का है, दूसरे कहीं पे मैंने देखा नहीं। तो चलिए हम अंदर जाते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे। ये देखिए हम अंदर आ गए, ज़्यादा कुछ हमें सेम ही लग रहा था तो हम थोड़ा सा देखे और बाहर आ गए। और ये जो चाट है यहाँ, ये देखिए कितना क्यूट सा ब्यूटीफुल सा, यहाँ खड़े रह के आप खा सकते हैं। थोड़ा सा ड्रिंक पीना था तो हमने जूस ऑर्डर किया, और जूस बढ़िया था हमारे इंडिया का। तो हम खुद में खुद ही बोल रहे हैं कि हम तो इतने अच्छे हैं, हमारा तो पैर ही नहीं दुख रहा है, अरे सब कवर कर लिया, अरे वहाँ का तो पूरा बाकी है। अच्छा, ये वाला चाइना आया, चाइना में जाना है, वहाँ से अफ्रीका भी दिख रहा है, पीछे इंडिया है, आई थिंक पीछे इंडिया है, इंडिया वो रहा, वो ये रहा इंडिया, ये रहा। ये जो रेलवे मार्केट है, ये जैसे रेलवे के ट्रैक्स कैसे होते हैं, डब्बे होते हैं, उसी तरीके से बनी हुई है। और स्पेशलिटी ये है कि ये जो डब्बे के रेलवे ट्रैक्स के अंदर ये जो खाना मिल रहा है वो सिर्फ स्वीट डिश ही है, मतलब डेजर्ट्स ही है, मीठा ही है, और यहाँ बाहर बैठ के आप इनके सामने बैठ के खा लें। है ना कितना खूबसूरत, बढ़िया सा लग रहा है माशाल्लाह। आइसक्रीम नहीं मिल रही तो ये खा रहे रियल है नहीं तो रियल नहीं है वो। अच्छा, ओ मेरे को तो पता ही नहीं था, बस मैं रियल का नहीं खा रहा था, फेक का खा रहा। अच्छा चलो। कितना क्यूट है। What you got? अली अली, इसका वो सॉस यही है, इतना ही है। एक सेकंड, पकड़ो तो। ओके ओके। क्या मस्त है चूरोस, है ना? Thank you.
अच्छी है। उनके पास टिश्यू है? तो टिश्यू तो हमारे पास भी, हम कैरी करते हैं। किसका आवाज आ रहा है हमारे पीछे? उसमें भी तो ये वाली बोट होती है जो ऊपर और दोनों ओर से ऊपर जाती है। मैं तो बहुत बार बैठी हूँ, आप बैठे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बर्गर बन रहा था बस वहाँ, सडनली यहाँ ऐसे पटाखे फूटने लगे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। तक का मैंने जो बर्गर खाया, सबसे बेस्ट बर्गर का खिताब मैं इस बर्गर को दूंगी, इतना सुपर्ब था। मैंने बहुत अच्छी बनाई है, मैंने अच्छी बनाई है। क्या बोल रहे हो? मैंने फ्राइज अच्छी बनाई है। अच्छा, तुमने बनाई है, गुड गुड गुड। वैग्यू बर्गर खाया था, बहुत ही डिलीशियस, मज़ा आ गया। इसके लिए हम लोग फिर से ऐसा कोई बर्गर ही खा रहे हैं और ये बहुत ही फेमस है। ये फेमस है ना, अवार्ड विनिंग, क्या अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट, लेट्स सी इसका कैसा है। यही एक जगह थी जहाँ भीड़ बहुत थी और जब आया और हमने खाया तो बहुत मज़ा आया, बहुत डिलीशियस लगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम भी आएंगे तो खाएंगे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है ये। है, बेल्जियम है, वनीला है, मैंगो है, स्निकर है, पिस्ताशियो है और स्ट्रॉबेरी। कौन सी खाओगे? जल्दी स्निकर का मिक्स करके स्ट्रॉबेरी। कैन मिक्स टू स्निकर एंड स्ट्रॉबेरी, स्निकर एंड स्ट्रॉबेरी। बबल जाए फिर, बबल गम होती है ना उसकी जैसी है उसकी, खा हम लोग रहे, दे दो उसको। और ये है डिफरेंट कॉन्सेप्ट, फ्लोटिंग मार्केट है जिसके ऊपर जो शॉप्स बोट के अंदर है और वहाँ से आप खाना लेके खाएं। बहुत लेट हो चुका था तो हमने यहाँ खाना नहीं लिया, लेकिन खूबसूरत लग रहा है, बढ़िया दिख रहा है यहाँ से नज़ारा, सो मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ आप लोगों के लिए भी। क्या मस्त लग रहा है पीछे का बैकग्राउंड, फ्लोटिंग मार्केट। अरे निकलते निकलते हमें यमन भी दिख गई, कुवैत भी दिख गया,
यमन ये रहा, इसके बराबर में क्या है? बहरीन, इजिप्ट। अरे बहरीन, इजिप्ट के बाद मोरक्को है। बहरीन को ना बोला भाई, बहरीन को। बहरीन भी है, इजिप्ट और यमन के बाद में बहरीन है। बीच में है इजिप्ट और इसमें बहरीन। Assuming ये ताज महल है, assuming जा सकते हो। I don't know, maybe it looks like ताज महल। And ये सिडनी का कुछ है ना? Right। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, right? और आगे भी कुछ उसका है, यूरोप का। पेरिस के टावर वो क्या बोलते हैं? आइफिल टावर भी है, कोलोसल भी है, ताज महल, assuming ताज महल है ये। और लंदन में जब था, हाँ ये रहा लंदन का टेलीफोन। और ये आ गया हमारा एग्जिट। सो आ गए हम लोग एग्जिट पे। ये कहाँ गया? यहाँ एग्जिट है। तो बस आज का दिन भी होता है पूरा। अगर आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ कमेंट तो कीजिए, बताइए तो आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो डालते रहे, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो हमारी मेहनत ना करें ना इतनी, तो बंद कर दो वीडियो बनाना। सो फिर से हाजिर रहूँगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।